माता की। सदाचार सद्भावना और संस्कृति से सुसज्जित उस रूप में परोपकार से प्रफुल्लित 5000 वर्ष पुरानी भारतीय परंपरा अनुसार मैं अर्जुन सिंह आप सभी को हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। और आप सभी महापुरुषों ने जो हमें ये मौका दिया इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद। मेरा विषय है नव भारत में युवाओं की भूमिका। संघर्ष के सायर में तन्हाई बलती है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर हवाएं चलती है। दोस्तों, हमारा नव भारत का निर्माण कैसे होगा जब हमारे राष्ट्र का युवा, हमारे देश का युवा हर क्षेत्र में आगे आएगा। और आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें हमारे देश का युवा आगे नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, अगर किसी भी देश को देश का विकास करना हो, उसे ऊंचाइयों पर पहचाना हो, तो सबसे जरूरी है उस देश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो और उस देश की युवा पीढ़ी मजबूत हो। अगर उस देश की युवा पीढ़ी मजबूत होगी, दमदार होगी, उसके अंदर साहस होगा, तो वो अपने देश को अदम्य साहस, अदम्य वीरता, ऐसे ही हमारे प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी, जिनसे प्रेरणा लेकर आज हमारे देश का युवा हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में अपना दमखम दिखा रहा है। दोस्तों, जब हम स्कूल कॉलेजों में एडमिशन लेते हैं तब हमें मौका मिलता है भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से हम कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। ये भाषण प्रतियोगिता आपको स्कूल कॉलेज के माध्यम से विज्ञान भवन तक का सफर तय करवाती है।